हेलो ऑल, शेफ दीपाली हियर, वेलकम टू वाओ कुक स्टूडियो चैनल। आज के इस वीडियो में हम हमारे एक नए सर्विस के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। यस, अलॉन्ग विथ वाओ कुक स्टूडियो हमने एक नई सर्विस, एक नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है जो आप सभी के लिए है, एंड उसी के बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। आई एम सो एक्साइटेड। एंड आप सभी को पता है अंडर वाओ कुक स्टूडियो हमने अभी तक 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को एज अ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग दी हुई है, जिसमें हमारे बहुत सारे क्लासेस स्टूडेंट्स ने बाय किए हैं एंड खुद का कुछ ना कुछ वेंचर स्टार्ट कर चुके हैं स्टूडेंट्स एंड करना चाहते हैं, जिसमें हम आपको हेल्प करते हैं हमेशा। एंड उसी से रिलेटेड जो हमारा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को लेके हमने एक नई सर्विस लॉन्च की है एंड उसी का नाम है WCS कंसल्टेंसी। बिजनेस को लेके ना सबका कुछ ना कुछ ड्रीम होता है, जैसे मुझे चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना है, चॉकलेट घर से सेल करने है, या एक बेकरी सेटअप करना है, या फिर मुझे कैफे डालना है जिसमें मैं पिज्ज़ा, चॉकलेट्स, यम्मी यम्मी पेस्ट्रीज सेल करूँ, या फिर मुझे एक प्रॉपर रेस्टोरेंट एस्टैब्लिश करना है। बट ये सारी प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करना है, जैसे घर का नॉलेज होता है, छोटे मोटे ऑर्डर्स लिए होते हैं, उन सबको पकड़ के हम बड़ी स्केल पे कैसे जा सकते हैं, ये नॉलेज नहीं होता है उस टाइम पे। आप हमारे क्लासेस ज्वाइन करते हो, सारे प्रोडक्ट्स सीखते हो, चॉकलेट्स कैसे बनाना चाहिए, केक्स कैसे बनाने चाहिए, फ्रेंच पेस्ट्रीज कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए या फिर कैसे बनाना चाहिए, सबका नॉलेज तो हमारे पास होता है, बट एक प्रोफेशनल नॉलेज जहाँ पे हम बिजनेस स्टार्ट कर सके या छोटा मोटा बिजनेस एक प्रोफेशनल तरीके से स्टार्ट कर सके, उसका नॉलेज नहीं होता है। तो इस सब की हम शुरुआत कैसे करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्लाइंट को समझ के लेते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस में है, व्हाट दे वांट, उनकी स्किल एंड उनका पैशन किस चीज़ में है। वो सारी चीज़ें समझने के बाद अकॉर्डिंग टू क्लाइंट उनकी बिजनेस के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग्स क्या है, वो भी हम वो बहुत अच्छे से समझ के लेते हैं एंड उसके बाद हम उनके लिए एक प्रॉपर बिजनेस डिज़ाइन करते हैं। सो ये सब होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, जिसमें हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रेसिपी फॉर्मुलेशन के ऊपर काम करते हैं, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर एरिया, मार्केट रिसर्च एंड जो हमने टारगेट ऑडियंस को एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग हमारी रेसिपीज़ क्या होनी चाहिए, जो कि ऑफकोर्स मार्केट में बिल्कुल भी कहीं पे भी ना हो, एंड यूनिक एंड डिफरेंट रेसिपीज के ऊपर काम किया जाता है एंड हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप होता है ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, जिसमें हम बात करते हैं, काम करते हैं आपके लोगों के ऊपर, आपके ब्रांड नेम के ऊपर, आपकी ब्रांडिंग के ऊपर एंड आपके सोशल मीडिया के प्रेजेंस के ऊपर, बिकॉज ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सोशल मीडिया पे कैसे, किस तरीके से मार्केट में एंट्री करनी है, आपका बेस क्या होना चाहिए, आपके लिए एक स्टोरी क्रिएशन करना, एंड इन सब को लेके हम आपके लिए एक प्रॉपर ब्रांडिंग क्रिएट करते हैं एंड बट ऑब्वियस आपके लिए एक प्रॉपर पैकेजिंग की डिज़ाइन फाइनल करते हैं। इसके लिए जो भी डीलर्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं एंड उनका यूज करके आप ये सारे काम बहुत इजीली, स्मूथली कर सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप होता है लीगल फॉर्मेलिटीज एंड लाइसेंसिंग, जिसमें हम आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपके सेटअप के अकॉर्डिंग लाइसेंस कैसे और कौन से करने हैं वो उसका गाइडेंस देते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस शॉप एक्ट लाइसेंस, FSSI, GST रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क लाइसेंस, फायर सेफ्टी लाइसेंस, इन सारे लाइसेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कैसे और कब करनी चाहिए उसका भी हम प्रॉपर नॉलेज एंड डिटेल प्रोवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट होता है गाइडेंस अबाउट सेटअप अकॉर्डिंग टू योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जैसे कि आपका घर से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर आप घर से काम करने वाले हो, या फिर आपका प्रॉपर कमर्शियल सेटअप है, या फिर रेस्टोरेंट है, किचन है, या फिर बेकरी यूनिट है जहाँ पे आपका फ्रंट में बेकरी है, कैफ़े है एंड उसी के बैक साइड में आपका मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस सेटअप ना हम प्लान करते हैं कि कौन से मशीनरीज बाय करने हैं, जैसे कि किसी किसी का होता है कि मुझे दिन में 100 केजीज का सेल होता ही है या फिर करना ही है, 100 केजीज चॉकलेट, 200 केजीज चॉकलेट, तो ये सारी चीज़ें मशीनरीज का जो डिसीजन होता है अकॉर्डिंग टू रेसिपी होता है, तो कौन से रेसिपीज लॉन्च करने हैं वो डिसाइड होने के बाद हम मशीनरीज के ऊपर काम करते हैं, फिर वो मशीनरीज कहाँ से बाय करनी है, उसके लिए लगने वाले जो पैकेजिंग मशीन्स होते हैं, टेम्परिंग मशीन्स होते हैं, मेल्टर्स होते हैं या पैनिंग मशीन्स होते हैं, या फिर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मशीन्स होते हैं जो बेकरी सेटअप के लिए, चॉकलेट सेटअप के लिए लगते हैं, तो वो मशीन्स कहाँ से बाय करने हैं उसकी सारी डिटेल्स हम इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं। उसी के साथ इन्ग्रीडियंट्स, हमारे जो रेसिपी का फाइनलाइजेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें कौन से इन्ग्रीडियंट्स मार्केट से बाय करने हैं, क्या क्वान्टिटी में बाय करने होते हैं, और वहाँ पर कैसे हमें कम कॉस्टिंग में ये इन्ग्रीडियंट्स मिल सकते हैं,
हैं उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। इसी के साथ सेटअप होने के बाद जो मेन होता है रेसिपी के ऊपर ट्रायल करना, रेसिपी प्रॉपर तरीके से बनाना एंड उसके ट्रायल्स लेना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी के ऊपर अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी हम ऑन द स्पॉट चेंजेस करके रेसिपी को फाइनल करके आगे की स्टेप जो होती है अकॉर्डिंग टू ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, उसके ऊपर हम पैकेजिंग कौन सी होनी चाहिए, कौन डीलर्स है, कौन उसके कौन सब डीलर्स है, कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करवा के लेना है, ऑन ब्रांडिंग कैसे होनी चाहिए, उसके ऊपर हम नेक्स्ट काम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज स्टाफ ट्रेनिंग जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। हमारे पास तो प्रॉपर नॉलेज होता है बट हमारे स्टाफ को ट्रेन करना दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। एंड किचन सेटअप हो गया है, कमर्शियल सेटअप हो गया है, रेसिपी डिज़ाइन हो गई है, तो वही सारी चीज़ें हमारे स्टाफ को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है जो कि हमारे इस सर्विस में हम प्रॉपर तरीके से आपके स्टाफ को, आपके हेल्पर्स को प्रॉपर तरीके से ट्रेन भी करते हैं। सो नेक्स्ट सेशन होता है ऑन कॉस्टिंग एंड ROI। फॉर एग्जांपल हमने जो भी यूनिट सेट फाइनल किया है लाइक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बेकरी यूनिट या फिर रेस्टोरेंट या फिर कैफे या फिर प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इन सब के लिए ना हम जो मशीनरीज यूज़ करने वाले, जो सेटअप यूज़ करने वाले, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, उस कॉस्टिंग को लेके कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है एंड इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है एंड किस टाइम पे कौन सी मशीन बाय करनी है एंड इस सारी इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा जो प्रॉपर बिजनेस के ऊपर ROI जो है वो कैसे निकलने वाला है, उसके ऊपर हम प्रॉपर गाइडेंस देते हैं एंड इस गाइडेंस को हम प्रॉपर तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो यस आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मिलने वाला है। और वो कैसे मिलेगा उसके लिए वी आर हियर टू हेल्प यू एंड एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप हमारी हेल्प ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आता है सपोर्ट। तो ये सपोर्ट आपको हमारी तरफ से कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है एंड हमारी टीम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेगी। एंड ये सेशंस कैसे होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। तो ये हमारे सारे सेशंस जो है ये ऑनलाइन सेशंस होते हैं। अगर आप पुणे या मुंबई सिटी से हो तो हम पर्सनल विजिट भी यहाँ आपके लिए करते हैं। अगर आपको आउट ऑफ महाराष्ट्र या फिर आउट ऑफ इंडिया के लिए भी आप कोई पर्टिकुलर प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे विजिट्स अवेलेबल होते हैं। एंड फर्स्ट सेशंस जो होते हैं वो फ़ोन पे होते हैं, उसके बाद हमारी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हम 1-to-1 सेशंस करने हैं या ऑनलाइन सेशंस करने हैं उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। ये थी हमारी एक शॉर्ट वीडियो ऑन WCS कंसल्टेंसी, एग्जैक्टली क्या काम करती है और किस तरीके से काम करती है, आपके सेटअप को अच्छे से सेटअप कैसे करके देना है उसके लिए हम हेल्प करते हैं। एंड इफ़ यू वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट WCS कंसल्टेंसी या फिर आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको अगर ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप करो, कॉल करो एंड वी विल हेल्प यू। सो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा रहेगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।